गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम लोग अमर भारती पाठ्य पुस्तक से बहुत दिनों बाद नामक कविता को पढ़ेंगे। बहुत दिनों बाद कविता के कवि का नाम है नागार्जुन और नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म तरौनी नामक ग्राम में 1910 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हुई थी और इन्हें हम जनकवि के भी नाम से जाना जाता है। जनकवि उसे कहते हैं जो जनता को लेके कविताओं की रचना करे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस पद शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद, अब भू मतलब तो सबको पता है, भू मतलब होता है धरती और गंध रूप रस शब्द और स्पर्श यह सब ज्ञानेंद्रियों के ही नाम है। गंध मतलब सूंघना, रूप मतलब देखना, रस मतलब खाना, शब्द मतलब सुनना और स्पर्श मतलब किसी भी चीज को छूकर उसकी अनुभूति करना। तो इस पंक्ति में कवि बोल रहे हैं कि अब बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर के अपना जीवन जिया है और सारे सुखों का भोग किया है। उनके लिए इस ग्रामीण जीवन के सुख को भोगना सबसे बड़ी अनुभूति है, इससे बड़ा उनके लिए और कुछ नहीं है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने खुलकर अपना जीवन जिया है और यह जो भी ज्ञानेंद्रिया है गंध रूप रस शब्द स्पर्श इन सबको अच्छे से उसकी अनुभूति की है इस भू पर यानी कि इस धरती पर बहुत दिनों के बाद। क्योंकि कवि बोलते हैं कि इन ज्ञानेंद्रियों के साथ उन्होंने गांव के जीवन की जो अनुभूति प्राप्त की है उससे बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है और अपने गांव के वास्तविक जीवन को बहुत जीकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद इन प्रस्तुत पंक्तियों की आप लोग सविस्तार व्याख्या करें। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर सेंड करोगे।